गुड मॉर्निंग क्लास, जावा के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का वेलकम है। मैं मोहन कुमार सिंह, आरएसएस साइंस कॉलेज, बीसीए डिपार्टमेंट सीतामढ़ी से। चलिए, तो अभी हम लोग जावा में जो हमारा करेंट टॉपिक चल रहा है वो इंटरफेस चल रहा है, और इंटरफेस में हम लोग देख चुके हैं कि व्हाट इज इंटरफेस, डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास, हाउ कैन वी क्रिएट एन इंटरफेस एंड हाउ टू एक्सटेंड द इंटरफेस, इंटरफेस को कैसे एक्सटेंड करते हैं, यानी कि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस से कैसे इनहेरिट होता है, एंड हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द इंटरफेस टू द क्लास, यानी कि एक क्लास इंटरफेस से किस तरीके से इम्प्लीमेंट्स होता है, यानी कि कैसे इनहेरिट होता है, इसका थ्योरी पार्ट हम लोग देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक प्रैक्टिकल पार्ट है, जस्ट लाइक कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द इंटरफेसेस टू द क्लास, क्लास के साथ इंटरफेस से हम लोग कैसे इनहेरिट करेंगे। तो इसका हम लोग आज एक प्रोग्राम देखेंगे। चलिए, इस प्रोग्राम में हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो पैकेज है, ये पैकेज इनपुट आउटपुट के लिए हम लोगों ने लिया है, यानी कि इनपुट कराने के लिए यूजर से जो वैल्यू लेना है उसके लिए, ये फर्दर आगे प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे। चलिए, इससे नीचे जब हम लोग चलते हैं तो देयर इज एन इंटरफेस नेम्ड एरिया, एक हमारा इंटरफेस जिसका नाम एरिया है, एंड इसके पास क्या है, तो एक कॉन्स्टेंट है पाई जिसका डाटा टाइप फ्लॉट है, और एक फ्लॉट कैलकुलेशन नाम का जो है हमारा मेथड है जिसका केवल डिक्लेरेशन है, इसमें बॉडी नहीं है, इसका रिटर्न टाइप फ्लॉट है, और ये दो पैरामीटर फ्लॉट टाइप ही ले रहा है। ओके, तो ये हमारा इंटरफेस हो गया। अब इससे आगे जब हम लोग चलते हैं तो एक हमारा रेक्टेंगल नाम का, सॉरी हाँ रेक्टेंगल क्लास है, और दूसरा क्लास एक सर्किल क्लास है। तो ये दोनों ही क्लास, क्लास रेक्टेंगल और क्लास सर्किल, ये दोनों ही क्लास क्या कर रहा है, तो एरिया इंटरफेस से इम्प्लीमेंट्स हो रहा है, यानी एरिया को इम्प्लीमेंट्स कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये रेक्टेंगल क्लास जो है ये एरिया इंटरफेस के प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, और यदि एरिया के पास कोई मेथड है डिक्लेयर्ड है तो डिफाइन करना इन दोनों ही क्लास के लिए मैंडेटरी है। ओके, तो इसने क्या किया है कि यहाँ पे कैलकुलेशन नाम का, फ्लॉट कैलकुलेशन नाम का जो हमारा मेथड है, इस मेथड को रेक्टेंगल क्लास ने भी डिफाइन किया है, और यहाँ पे सर्किल क्लास ने भी इसको डिफाइन किया है। अब ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है, कैसे इसमें कंट्रोल फ्लो कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसके लिए चले आइए, एक तीसरा क्लास है हमारा इंटरफेस मेन, इंटरफेस मेन यहाँ तक ये हमारा क्लास है। तो ये इसके अंदर जो है क्या क्या काम हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेन के अंदर हमने क्या किया है कि दो तीन लोकल वेरिएबल ले लिया है, इन लोकल वेरिएबल का आगे प्रोग्राम में यूज होगा। फिर यहाँ पे डाटा इनपुट स्ट्रीम का इन नाम का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमने क्यों यूज किया है, तो यूज टू रीड डाटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, यानी यूजर जो डाटा डालेगा उस डाटा को रीड करने के लिए हम ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है, और इस डाटा स्ट्रीम को प्रोग्राम में यूज करने के लिए हमें दो पैकेज का इंपोर्ट करना पड़ता है, java.lang और java.io इनपुट आउटपुट। तो ये दो पैकेज सो डैट यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है। अब हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल का और सर्कल का दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और क्रिएट करने के साथ साथ इन दोनों ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट भी कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। देखिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना एक अलग प्रोसेस है और ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करना एक अलग प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर देखिए, एरिया का हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया, तो एरिया क्या है, इंटरफेस है। एरिया क्या है हमारा, इंटरफेस है। तो इंटरफेसेस आर नॉट इंस्टेंशिएटेड, इंटरफेस को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इंटरफेस का केवल हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन जब इक्वल टू ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और फिर क्लास या इंटरफेस नेम लिखते हैं तो डेट इज कॉल्ड
इंस्टेंसिएशन, तो इंस्टेंसिएट हम लोग इंटरफेस को नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लास को इंस्टेंसिएट किया जा सकता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ये ओबीजे हमारा इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना है उसे हम लोग रेक्ट एज ए रेफरेंस दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि ओबीजे जो कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है रेफर्स टू रेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को अब ये रेफर करेगा। यानी ओबीजे का जहाँ कहीं भी हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो वो किसको रेफर करेगा, तो वो रेक्टेंगल को रेफर करेगा, यानी रेक्टेंगल के रेक्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक, दो हमारे पास ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ और कैच ब्लॉक यहाँ से शुरू होकर के यही एंड हो रहा है। तो देखिए, जब भी हम लोग डाटा इनपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं तो उस समय हमें उसे उसके जो मेथड है हमारा रीड लाइन, उसे यूज करने के लिए हमें ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करना ही होता है, क्योंकि ये जावा सेफ्टी के लिए, रन टाइम सेफ्टी के लिए, कि हमारा प्रोग्राम यूजर वैल्यू यदि कुछ डिफरेंट वैल्यू डालता है तो इन दिस सिचुएशन प्रोग्राम सक्सेसफुल टर्मिनेट हो, इसके लिए ट्राई, यानी कि ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर आता है तो वो कहाँ पे चला जाए, हमारा कैच ब्लॉक में चला जाए और प्रोग्राम सक्सेसफुल टर्मिनेट हो जाए। सो डैट यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करना मैंडेटरी है, अगर नहीं करेंगे तो देयर इज एरर, एक कुछ एरर आएगा आपका इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। तो चलिए ट्राई ब्लॉक में चले आते हैं। ट्राई ब्लॉक में यूजर को हम बोल रहे हैं इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और जो यूजर डालेगा वैल्यू डालेगा वो इन डॉट रीड लाइन से जो है वो रीड हो करके किस में चलाएगा, ए में चलाएगा। अब ध्यान दीजिए, ए का डाटा टाइप क्या है, तो ए का डाटा टाइप फ्लॉट है, और यूजर जो डालेगा वो कैसे आएगा, तो एज ए स्ट्रिंग आएगा। हम लोग जानते हैं कि जावा में कुछ भी यदि इनपुट डाला जाता है यूजर के द्वारा तो वह एज ए स्ट्रिंग होता है, तो उस स्ट्रिंग को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, फ्लॉट में। फॉर डैट फ्लॉट रैपर क्लास का पार्स फ्लॉट मेथड का यूज करके जो भी वैल्यू इन डॉट रीड लाइन से आएगा उसको हम लोग फ्लॉट में कन्वर्ट करके ए में डाल दिए। उसी तरीके से यूजर को बोल रहे हैं ब्रेथ डालने के लिए, और ब्रेथ को भी बी में डाल दिया फ्लॉट में कन्वर्ट करके। ओके, अब यहाँ पर एक टेम्प नाम का हमारा जो लोकल वेरिएबल है वो भी फ्लॉट टाइप का है, तो इसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं किस तरीके से, तो obj से कैलकुलेशन नाम का जो हमारा मेथड है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, और a और b यानी लेंथ और ब्रेथ का जो वैल्यू है वो एज ए पैरामीटर हम कैलकुलेशन को दे रहे हैं। तो obj अब ये अभी किसको रेफर कर रहा है, तो देखिए इस लाइन से, इस स्टेटमेंट से ये क्लियर हो गया है कि obj रेक्ट को रेफर कर रहा है, यानी कि रेक्टेंगल क्लास में जो भी यूजर डालेगा a और b का वैल्यू वो चला जाएगा रेक्टेंगल क्लास के कैलकुलेशन मेथड के पास, और जो भी यूजर ए और बी का वैल्यू डाला है वो एक्स और वाई में आएगा और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके ये मेथड रिटर्न कर देगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा, और रिटर्न वैल्यू किसके पास चला आएगा, तो रिटर्न वैल्यू अब टेम्प के पास चला आएगा। ठीक है, जब टेम्प के पास चला आएगा तो टेम्प के वैल्यू जो होगा वो एज ए रेक्टेंगल का एरिया होगा और उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं। आफ्टर डैट ओबीजे को अब हम किसका रेफरेंस दे रहे हैं, तो CIR का दे रहे हैं। तो CIR क्या है, तो CIR सर्किल का इनिशिएटेड ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा कि अब OBJ जो है रेफर करेगा सर्किल के ऑब्जेक्ट को, और फिर इसी तरीके से यूजर को हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि इंटर द रेडियस ऑफ सर्किल, और यूजर जो भी वैल्यू डालेगा उसे इस स्टेटमेंट से, मतलब रेडियस का जो भी वैल्यू डालेगा वो एज ए स्ट्रिंग होगा, तो इस स्टेटमेंट से फ्लॉट में कन्वर्ट होकर के ए में चलाएगा, है ना। और ए में जब चलाएगा तो अब ओबीजे जो कि सर्किल को रेफर कर रहा है तो कैलकुलेशन मेथड को कॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेडियस कैलकुलेशन करना है, तो रेडियस नहीं एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट करना है, तो हमें एक ही पैरामीटर चाहिए, क्या हमें चाहिए, केवल रेडियस। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन मेथड जो है इंटरफेस का वो दो पैरामीटर ले रहा है, सो डैट यदि इस मेथड को इस एरिया इंटरफेस से यदि सर्किल इम्प्लीमेंट हुआ है तो सर्किल को
इसे डिफाइन करना होगा, और जब डिफाइन करेगा तो दो पैरामीटर, चूंकि ये मेथड ले रहा है तो यहाँ पे भी दो पैरामीटर हमें भेजना ही पड़ेगा। तो सो डैट एक तो हमने एरिया भेजा और एक हम खुद से एक्सप्लिसिटली जीरो भेजते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू तो वो होगा जो यूजर डालेगा और वाई का वैल्यू जीरो है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि रिटर्न करते हैं पाई इंटू एक्स इंटू एक्स, तो एक्स का वैल्यू आर्क रेडियस का वैल्यू एक्स में है और पाई का वैल्यू क्या है, तो पाई एक कॉन्स्टेंट है जो कि एरिया इंटरफेस के पास डिक्लियर्ड है। यहाँ पर देखिए फ्लॉट पाई डिक्लियर्ड है, तो ये रेडियस इंटू पाई को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा एज ए फ्लॉट यहाँ से रिटर्न कर देगा, और वाई का वैल्यू का यूज नहीं हुआ, वो केवल एज ए पैरामीटर यहाँ पे आया है ना। अब जब ये रिटर्न करेगा तो वो सर्किल का एरिया होगा, और वो सर्किल का एरिया वापस किस में चला जाएगा, टेम्प में चला जाएगा, और इस स्टेटमेंट के थ्रू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू टेम्प, यहाँ से हम लोग सर्किल का एरिया प्रिंट करा दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये कैच का ट्राई ब्लॉक का पार्ट है, जो ट्राई के साथ ये आता है, तो ये तो पहले मैंने बताया ही, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब इसमें किसी तरह का एरर आता है, ट्राई ब्लॉक में किसी तरह का एरर आता है और प्रोग्राम इस तरीके से हमारा टर्मिनेट हो जाता है। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा करके देखते हैं। तो रन कराने के लिए देखिए यहाँ पर एड्रेस बार को देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर लोकल डिस्क ई फोल्डर वन, और प्रोग्राम के अंदर हमारा इंटरफेस मेन डॉट जावा नाम का हमारा फाइल है, इसमें मैंने वही प्रोग्राम कर रखा है जो प्रोग्राम अभी आप लोगों ने देखा है। देखिए यहाँ पर भी एरिया इंटरफेस है, उसके नीचे चलते हैं तो रेक्टेंगल क्लास है हमारा जो कि एरिया से इंप्लीमेंट हो रहा है, सर्किल क्लास भी एरिया से इंप्लीमेंट हो रहा है, और क्लास इंटरफेस नेम यहाँ पर भी फ्लॉट टेम्प ए बी वेरिएबल सेम प्रोग्राम है ये, और यहाँ पर भी ट्राई और कैच ब्लॉक है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं। रन कराने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा कहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट में चलना पड़ेगा, और कमांड प्रॉम्प्ट में एक सेकेंड वापस से मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, कुछ और काम हो रहा था वहाँ, तो हमें जाना होगा ई ड्राइव में जाना होगा। ई ड्राइव में हमें फोल्डर में जाना है वन स्लैश प्रोग्राम, और यहाँ पर जावा कंपाइलर का नाम जावा सी, और प्रोग्राम का नाम है हमारा इंटरफेस मेन डॉट जावा। अभी मैंने इसे कंपाइल नहीं कराया, इस फोल्डर को मैं एक बार दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए एक ही फाइल है ना डॉट जावा का, और जब इसको कंपाइल कराएंगे तो देखिएगा यहाँ पे दो तीन फाइल बन के आएगा, क्लास फाइल, जितने भी क्लास होंगे हर क्लास का फाइल बन के आएगा। तो ये देखिए ये आ गया, यानी कि एरिया इंटरफेस है तो उसका भी डॉट क्लास करके आया, बाइट कोड सर्किल का भी आया और रेक्टेंगल का भी आया, इंटरफेस मेन का भी आया, यह अल्फाबेट के लिए अरेंज होकर के आया, यानी कि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, देयर इज नो एरर। दो वार्निंग्स आ रहे हैं, तो वार्निंग्स वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम रीडर को लेकर के है। खैर चलिए अब इसको हम लोग रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए जावा इंटरप्रेटर का नाम जावा और नेम ऑफ द फाइल केबल नेम विदाउट एक्सटेंशन, तो इंटरफेस नेम आई एन टी ई आर एफ ए सी ई इंटरफेस एम ए आई एन मेन। अब ये मांग रहा है हमें इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने 7 डाला और ब्रेथ हमने 5 डाला, तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल 35, 75 जा 35 हमें दे दिया ये। अब ये मांग रहा है इंटर रेडियस ऑफ सर्किल, तो रेडियस ऑफ सर्किल 7 डाला तो सर्किल का भी हमें ये एरिया निकाल करके दे दिया, यानी कि प्रोग्राम ये सक्सेसफुली रन कर गया है। चलिए अब हम लोग वापस अपने पीडीएफ में आ जाते हैं, इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ थॉट्स है उसको देखा जाए। कहता है इन एवर प्रोग्राम वी हैव क्रिएटेड इंटरफेस नेम एरिया, एरिया नाम का इंटरफेस क्रिएट किया है, द टू क्लासेस रेक्टेंगल एंड सर्किल इम्प्लीमेंट्स द एरिया इंटरफेस, एरिया इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो हमारा कीवर्ड होता है इम्प्लीमेंट्स, यानी कि उसमें एस लगा हुआ होता है इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे भी देखिए इम्प्लीमेंट्स, ओके, तो ये ध्यान रखना है।
ये दोनों ही क्लास एरिया इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद कहता है इन मेन मेथड इंस्टेंशिएट द क्लास रेक्टेंगल एंड सर्किल, दोनों ही क्लास को इंस्टेंशिएट किया है। ऑल्सो क्रिएट ऑब्जेक्ट ओबीजे ऑफ इंटरफेस एरिया, एरिया इंटरफेस का ओबीजे हम लोगों ने क्रिएट किया है। नोट दैट वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बट नेवर इंस्टेंशिएट इट, इसे हम लोग कभी भी इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं लाइक क्लासेस, क्लासेस की तरह। जैसे क्लासेस में, जैसे मान लीजिए इंटरफेस नेम ओबीजे इक्वल टू न्यू इंटरफेस नेम, इट इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं होता है। यानी कि कहाँ तक अलाउड होता है, तो सिर्फ देखिए यहाँ तक अलाउड होता है, इंटरफेस नेम और उसका ओबीजे हम इस तरीके से बना सकते हैं। कहता है और ये जो मेथड है इंटरफेस नेम ओबीजे इक्वल टू न्यू इंटरफेस नेम या क्लास नेम ओबीजे इक्वल टू न्यू क्लास नेम, तो ये क्या है हमारा, तो कहता है दिस इज इंस्टेंसिएशन, ये इंस्टेंसिएशन है। फिर आया कहता है वन बाई वन, एक मिनट कहाँ गया, हाँ वन बाई वन ओबीजे रेफर्स टू रेक्टेंगल एंड सर्किल ऑब्जेक्ट रेक्ट एंड सीआईआर रेस्पेक्टिवली, और उसके बाद वो मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है वन बाई वन करके दोनों ही क्लासेस में। आगे कहता है हेंस, इस प्रोग्राम से ये कंक्लूजन निकलता है कि हेंस एनी नंबर ऑफ डिससिमिलर क्लासेस, डिससिमिलर क्लासेस का मतलब जो क्लासेस आपस में सिमिलर नहीं है, एक जैसे नहीं है, कैन इंप्लीमेंट इंटरफेस, इंटरफेस को वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आपने देखा कि सर्किल का एरिया निकालने के लिए एक ही पैरामीटर चाहिए, रेक्टेंगल के लिए दो पैरामीटर चाहिए, लेकिन उसी इंटरफेस को दोनों ही इंप्लीमेंट करके एरिया निकाल करके दे रहा है। However, to ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, However, to implement the methods, यानी कि इंटरफेस के मेथड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए वी नीड, हमें जरूरत पड़ता है रेफर क्लास ऑब्जेक्ट्स एज टाइप ऑफ इंटरफेस, यानी कि क्लास के ऑब्जेक्ट को इंटरफेस टाइप से हमें रेफर करना पड़ता है। और वो काम हम लोगों ने कहाँ पे किया है, तो ओबीजे इक्वल टू सीआईआर एंड यहाँ पे ओबीजे इक्वल टू रेक्ट। तो ये रेक्ट क्या है, ये क्लास टाइप है। अब ओबीजे इक्वल टू रेक्ट करने का मतलब है कि ये रेक्ट जो है अब एज ए इंटरफेस टाइप हो गया है ना, तो ये इंटरफेस के मेथड्स को है ना, यानी कि इंटरफेस के मेथड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें इंटरफेस टाइप से रेफर कराना पड़ता है क्लास के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फिर आगे कहता है वी मस्ट रिमेंबर डैट इफ ए क्लास इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस, अगर कोई भी क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है एंड डज नॉट इंप्लीमेंट, और इंप्लीमेंट नहीं करता है या डिफाइन नहीं करता है ऑल द मेथड्स ऑफ द इंटरफेस, इंटरफेस के सारे मेथड्स को यदि इंप्लीमेंट नहीं करता है, उसे डिफाइन नहीं करता है वो क्लास, देन द क्लास बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ऐसे सिचुएशन में क्लास हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है एंड कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, और उस क्लास को हम लोग इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है हमारा इंटरफेस और क्लास से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। रही बात इस प्रोग्राम को नोट डाउन करने का, तो मैं एक बार स्क्रीन को ऊपर से नीचे मूव कराता हूँ और होल्ड डाउन करा के रखता हूँ। आप स्क्रीन को होल्ड करके, वीडियो को होल्ड करके प्रोग्राम को नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये प्रोग्राम आप कहाँ तक लिख सकते हैं, तो यहाँ मेन तक तो लिख सकते हैं, ओके। आफ्टर दैट जो नीचे का पार्ट है उस पर मैं चला जाता हूँ, तो ये हमारा प्रोग्राम अब मेन तक यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, तो अब नीचे का ये पार्ट भी आप स्क्रीन को होल्ड करके लिख सकते हैं इस तरीके से। चलिए, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।